वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर फॉर नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन टू मेटालिक मेटल प्लेट्स ऑफ सेम डायमेंशंस एंड सेम एरिया, इंपॉर्टेंट है बेटा। डायमेंशंस भी जो प्लेट की है वो क्या है, सेम, और जो एरिया है वो भी सेम, आर एट स्मॉल डिस्टेंस। This type of arrangement is called parallel plate capacitor. There is vacuum or air in the space between plates. So, भाई आपके पास दो metallic या metal की plates है, इनकी dimensions और जो area है वो same है। अब देखिए दोनों की जो distance है, let us consider in between distance small d, इसको positive charge देंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से, इस पे क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इस पे नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया इंडक्शन से, इस पर क्या जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज। हमने चार्ज का इंडक्शन मेथड पढ़ लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। और प्लेट्स पे अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो इस पे लेट अस कंसीडर द सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा प्लस का और इस पे माइनस सिग्मा। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टिंग प्लेट इज इक्वल टू, आपको पता है कंडक्टिंग प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास, सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू द क्यू अपॉन ए, क्योंकि ये सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एरिया। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन टू इन इक्वेशन फर्स्ट, सो ई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको दे देंगे थर्ड इक्वेशन। तो जो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने आपको पहले बताया ये चारों चैप्टर एक दूसरे जुड़े हुए हैं, फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो सी है। तो हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब हमें वी कैलकुलेट करना है, वी से पहले हम ई पे पहुंच गए, तो ई हमने कैलकुलेट कर लिया, वी कैलकुलेट करेंगे। तो वी कैलकुलेट करेंगे तो वी नो दैट वी और ई में रिलेशन है, वी और ई में रिलेशन है वी इज इक्वल टू ई इन टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स स्मॉल डी। ई और वी में रिलेशन हमने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया है, ये वैल्यू ऐसा पुट करेंगे तो वी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ गया आपके पास वी। और वी आ जाता है तो वी के बाद हम कैलकुलेट करते हैं सी, और हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, एयर में, यहाँ पे बीच में कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, कोई मीडियम नहीं है तो आपके पास सी कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे यहां से वी नो दैट क्या है सी का फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू एयर के लिए यहां लिख देता हूं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसको दे देते इक्वेशन फोर और इसको दे देंगे इक्वेशन फाइव, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन फाइव, तो एयर के लिए कैलकुलेट हो जाएगा कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे Q इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, चल रहा भाई सॉरी, तो Q से Q कैंसिल, तो आपके पास A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो C इज इक्वल टू आ गया आपके पास A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये आ गई कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की एयर में। यहां ध्यान दे कैसे पता लगा एयर में,
क्योंकि जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है एप्सिलॉन नॉट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सी सी डिपेंड कर रहा है एक तो एरिया पे, एरिया ऑफ प्लेट्स, एक बी डिस्टेंस इनके बीच की, तो एरिया के तो प्रोपोर्शनल है, तो एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो अगर प्लेट्स का एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर एरिया डिक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा, और अगर हम बात करें इनके बीच की डिस्टेंस की तो सी इज एंटी प्रोपोर्शनल वन अपॉन डी। ऐसे क्लियर है कि अगर डी डिस्टेंस डिक्रीज होगी दोनों प्लेट्स की तो सी इंक्रीज होगा, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। क्लियर? अच्छा, ये तो एयर में कैलकुलेट कर लिया, अगर मीडियम होता है कंप्लीट इसमें तो क्या होता भाई, इसको भी देख लेते हैं क्या आ जाएगा कैलकुलेट होके मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए कर देते हैं, फॉर मीडियम सीएम ले लेते हैं मीडियम के लिए, और आपके पास आ जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन जीरो की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन डी, एप्सिलॉन क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो आपके पास आ जाएगा सी एम इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये आ गया मीडियम के लिए। दोनों का रेशियो देखे तो रेशियो आ जाएगा सी एम अपॉन सी इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी, मल्टीप्लाइज का डिवाइड करेंगे तो डी ऊपर आ जाएगा और ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, डी से डी कैंसिल, इट मीन्स आपके पास आ जाएगा सी एम अपॉन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, यानी कि डायलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट है उसके इक्वल आ जाएगा, और एप्सिलॉन जो आर है वो इंक्रीज होता है या ग्रेटर देन होता है वन से, इट मीन्स सी एम अपॉन जो सी है वो इंक्रीज या ग्रेटर देन होगा किससे, वन से, इट मीन्स जो मीडियम में वैल्यू है वो एयर की वैल्यू से, कैपेसिटर अगर मीडियम लगा दिया ना कैपेसिटेंस में तो इंक्रीज रहेगी किससे, एयर वाले से। ठीक है, तो एयर में जो कैपेसिटेंस जनरेट होगी मीडियम में ज्यादा होगी, ये पहला केस आया जिसमें मीडियम लगाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है, पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है, फोर्स भी डिक्रीज होता है, लेकिन सी इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सी जो है किसके प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो एप्सिलॉन अगर नॉट है और मीडियम की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर इंक्रीज होगा तो सी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इन सब में तो क्या था, एंटी प्रोपोर्शनल था, वन अपॉन जैसे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, एप्सिलॉन क्या एंटी प्रोपोर्शनल था, तो ई भी डिक्रीज होगा, वी भी और सी भी, सॉरी ई वी और एफ, तो मीडियम में क्या होता है डिक्रीज होंगे, लेकिन सी यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मीडियम में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है कैपेसिटेंस की वो इंक्रीज होगी किससे, वैक्यूम से। क्लियर? ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हमें ई कैलकुलेट करना है, ई आ जाएगा तो बी आ जाएगा, और बी आ जाएगा तो सी आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ से यहाँ तक, और इसी के कुछ एप्लीकेशन है, ये सेकंड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर पोटेंशियल, और ये फोर्थ चल रहा है सी। ठीक, तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।